नए गांव है, नए गांव में नए ज्ञान की बातें आ गई, तो गांव वाले विरोध भी करते होंगे। हम जो विरोध करते हैं उन बातों का कोई जवाब देते कि नहीं देते? अगर जवाब नहीं आता है तो फिर बाबा से बैठ पूछो, नहीं तो फिर बाद में ये नहीं कहना कि हमें तो जवाब ही नहीं मिलता। बाबा, चार की शिक्षा में जो बाम दो पंथी है ना, बाम पंथी और सौ पंथी, ये नया नया को पूजन है दो। फिर बाबा थोड़ा इशारा दे दे, जब ये न पूछे तब पूछना। हाँ, बाबा मन माना बाबा माता जी बाबा इसके बारे में थोड़ा मत मन मना बाबा। संस्कृत में भी गीता में भी ये अक्षर आए, शब्द आए हैं, मत मना भव, तीनों अक्षरों को मिलाने से बनता है मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किसने कहा ये मन मना भव? किसने कहा? वो संस्कृत की गीता है, उसमें किसने कहा? अर्जुन ने कहा या भगवान ने कहा? वहां तो कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में कृष्ण तो जो पूजा जाता है उसका बच्चे का रूप पूजा जाता है या बड़ा रूप पूजा जाता है? बच्चे का रूप पूजा जाता है। तो कृष्ण बच्चा बुद्धि है या बड़ा है? बच्चा बुद्धि है। तो बच्चे की बुद्धि में हम समा जाए, हमारी बुद्धि बच्चे जैसी बने वो अच्छा, या सगीर बुद्धि बने वो अच्छा? सगीर कहते हैं समझदार को, और बच्चा बुद्धि कहते हैं बेसमझ को। बच्चे को तो पता ही नहीं होता है ये आग जल रही है तो इसमें उंगली देना है कि नहीं देना है, वो तो बेसमझी से हाथ डाल देगा। तो ऐसे ही कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण जब बच्चा है और बाप बच्चा नहीं है, बाप बच्चा होता है कि बाप बाप होता है, बड़ा होता है? बाप तो बाप होता है। तो वास्तव में चित्रों में भी आपने देखा होगा, जहां कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है या जन्म दिया जाता है या यशोदा उनको उनके साथ कृष्ण के साथ खिलवाड़ करती है तो शंकर जी उसको वरदान देते हैं। बड़े के रूप में शंकर जी को दिखाया गया है, अर्थात शंकर जो है वो बाप है, कृष्ण बच्चा है। कृष्ण बच्चा ज्ञान सुनाएगा या बाप ज्ञान सुनाएगा? बाप ज्ञान सुनाएगा। जो जो कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने ये बेवकूफी कर दी कि गीता पहले निराकारवादी ईश्वर रचना थी और बाद में उन्होंने नाम डाल दिया कृष्ण का, तो ये बड़ी भारी भूल हो गई। वास्तव में मन मना भव ये कृष्ण नहीं कहता है, मेरे मन में समाजा ये कहने वाला बाप है, भगवान बाप। क्यों? क्योंकि 16 कलाओं के अंदर कृष्ण और राम को बांधा जा सकता है या भगवान को बांधा जा सकता है? 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण, ये देवताएं होते हैं या मनुष्य होते हैं? देवताएं कला में बांधने योग्य होते हैं। भगवान तो कला अतीत कल्याण कर प्रांतकारी, वो तो कलाओं से भी परे है, उसको कलाओं में नहीं बांधा जाता। सूर्य को कला में बांधा जाता है या चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है? कौन होता है? चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, सूर्य की 16 कलाएं होती हैं क्या? वो तो कलातीत है, कलाओं से परे है। तो भगवान है कलाओं से परे, और जो देवताएं होते हैं वो कलाओं के अंदर बांधे जाते हैं। सतयुग होता है 16 कला संपूर्ण, त्रेता होता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला, और कलयुग 4 कला से कम होते होते कलाहीन हो जाता है।
बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं, कला काया सारी चट हो गई। तो कहने का मतलब कृष्ण नहीं कहता है मनमना भव, मेरे मन में समाजा, कौन कहता है? वो भगवान शिव कहते हैं कि जैसे मैं ज्योति बिंदु हूँ, बिंदु रूप में समाया हुआ बैठा हूँ, शिव का वो रूप दिखाते हैं। चित्र में कौन सा रूप दिखाया जाता है? तपस्या में बैठे, किसको याद कर रहे हैं? वो भी शिव को याद कर रहे हैं, वो भी शंकर का बच्चा है शिव का, तो बच्चा अपने बाप को याद कर रहा है, वो मनमना भव होके बैठा है। तो हम भी क्या करें, हम भी जब टाइम मिले तो किसी स्टेज में बैठ जाएं, मनमना भव, जो बाप की स्टेज है, आत्मिक स्टेज, उसी स्टेज में हम भी रह जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। क्या ये स्टेज ही अंत समय में काम आवेगी? जब विनाश होगा, चारों तरफ खून खराबा होना शुरू होगा, लोग बायरे हो जाएंगे, पागलों जैसे आसन करने लगेंगे, उस समय आत्मिक स्टेज ही काम में आवेगी। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उनको भगवान की कनेक्शन करने में सुविधा होगी, भगवान से उनका कनेक्शन जुट जाएगा। आत्मिक स्थिति में पक्के नहीं होंगे तो उनका कनेक्शन नहीं जुटेगा, इसलिए अभी से पक्का करना है। क्या मनमना भव अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार यहाँ चमक रहा है, जैसे आसमान में स्टार चमकता है, ऐसे कहाँ चमक रहा है? ये आत्मा रूपी सितारा भ्रकुटी में चमक रहा है, और इस आत्मा रूपी सितारे का बाप है वो शिव ज्योति बिंदु, जो इस सृष्टि पर हमको लेने आया हुआ है। तो क्या बिंदी रूप में फुदक रहा है या कोई साकार शरीर में होगा? कोई साकार शरीर में आया हुआ है, साकार शरीर के द्वारा वो सृष्टि के आदिमध्यंत की सारी रहस्यों को खोल रहा है। मन मना भव का अर्थ ये हुआ, मध्यादि भव का अर्थ क्या हुआ? जब मन मना भव हो जाए तो आत्म की स्थिति में रह करके जो भी कर्म किए जाएंगे वो भगवान को अर्पण होंगे, वो कर्म हम अपने लिए नहीं करेंगे। मान लो हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी से हमको जो भी प्राप्ति होगी हम किसको अर्पण करेंगे? मालिक को, वही हमारा एक मालिक है, मालिक वही भगवान है, उस भगवान को हम सारी कमाई अर्पण कर देंगे। ये लो हमने ये आपके कार्य के लिए कमाई है, नहीं हमें तो कमाई कमाने की दरकार नहीं, हम तो आपके बच्चे बन गए, आपसे हमें वरदान मिला हुआ है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, दुनिया भूख मरेगी लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेगा, तो मुझे तो कमाने की दरकार ही नहीं थी, मैं किस लिए कमा रहा हूँ? भगवान का कार्य संपन्न हो जाए, भगवान की जो राजधानी का स्थापन करने का कार्य है, नई दुनिया बनाने का कार्य है, नरक को स्वर्ग बनाने का काम है, उस काम में मेरे ये चार पैसे काम आ जाए, तो भगवान से जन्म जन्मांतर मुझे प्राप्ति होगी, उसको कहेंगे मध्यादि भव। अर्थात जो भी मैं काम कर्म करूं कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो किसके लिए करूं? मत माने मेरे लिए, माने भगवान के लिए। और छोटी माँ लक्ष्मी आने से पहले या पीछे 108 माला के मठ के प्रत्यक्ष होंगी? हाँ, छोटी माँ माने लक्ष्मी और बड़ी माँ माने जगदम्बा। छोटी माँ जब आएगी तो उस समय जब दिवाली होती है, दीपावली होती है, तो दीपावली पर जब लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो आवाहन करने के बाद उसी टाइम दीपक जलाए जाते हैं। क्या दीपक जलाते? दीपक अवली, दीप अवली, अवली माने कतार, इधर उधर 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 चारों तरफ छत के ऊपर इधर उधर रख देते हैं ना दीपक, तो स्थूल दीपक रखते हैं, संगम युग की यादगार है। वास्तव में संगम युग में जब लक्ष्मी आती है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस समय ये सारे आत्मा रूपी दीपक जग जाते हैं, उनकी अवली अवली माने कतार तैयार हो जाती है। वो कतार को कहते हैं 108 की माला, 100 की माला, 8 की माला,
क्या हजार दीपकों की माला, 16108 दीपकों की माला, वो मालाएं तैयार होती है, वही अवली है। अवली माने माला। और मुरली में आया है अल्प और भे का मतलब क्या है? है उर्दू में अलप बे पे टे ते से जीम चे हे खे दाल दाल जाल, ये अक्षर हैं। जैसे हिंदी में अक्षर हैं आई यू का ग ग ग टा टा टा, ये अक्षर है ना, ऐसे ही उर्दू के अक्षर हैं। तो पहले अक्षर का नाम क्या है? अलफ। अलफ में होता है पहला डंडा, खड़ा डंडा, उसको कहते हैं अलफ। फिर बे, बे माने पड़ा डंडा, उसको कहते हैं बे। तो अलफ जो खड़ा डंडा है वो है बाप। अलफ माने खड़ा डंडा बाप। और बच्चा जब पैदा होता है तो पड़ा हुआ पैदा होता है, खड़ा हुआ पैदा होता है? पड़ा हुआ बच्चा पैदा होता है, वो हो गया बे। माने कृष्ण वाली आत्मा है बे, और राम वाली आत्मा है जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं वो है पुरुषार्थ में खड़ा हुआ, और कृष्ण वाली आत्मा है पड़ी हुई। कब पड़ गई? 1968 में उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो वो आत्मा पुरुषार्थ में गिर गई, पड़ गई, दरासाई हो गई। उसको पता ही नहीं है कि गीता का भगवान साकार में कौन है, वो अपने को ही समझती है। दुनिया में भी साधु संत महात्माएं अपने को क्या समझते हैं? शिवो हम ही भगवान हैं। तो ये परंपरा शुरू कहां से हुई? ये पहले पहले ये परंपरा का फाउंडेशन किसने डाला, कब डाला? ये ब्रह्मा की सोल ने डाला। वो ब्रह्मा की आत्मा आज भी समझती है कि मैं ही शिव हूं, मैं ही गीता का साकार भगवान हूं, लेकिन वास्तव में कृष्ण गीता का साकार भगवान, दादा लेखराज गीता का साकार भगवान नहीं है। और न होने के कारण ही संसार में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती। राम की और कृष्ण की और विष्णु की मूर्तियां बनेंगी, शंकर की मूर्तियां बनेंगी, उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर होते हैं, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर नहीं होते। बाबा निश्चय पत्र में तीन व्यक्तियों के नाम लिखा जाता है, तीन व्यक्तियों के नाम? हाँ। तीन कौन कौन? एक संदेश वाहक, एक लोकल टीचर और एक मधुबन टीचर है। इन आत्माओं के साथ ब्लड ड्रामा में क्या संबंध होता है? है इन आत्माओं के साथ ब्लड ड्रामा में क्या रिलेशन होता है? तीन टीचर इनके साथ यही रिलेशन होता है कि ये तुम्हारे निमित्त बन गए ज्ञान देने के, संदेश देने की कोई निमित्त बना, माने उसने ज्ञान का बीजारोपण कर दिया है। और जिसने तुम्हें ज्ञान का डिटेल बताया, माँ होती है और बाप होता है, बाप क्या करता है? सिर्फ बीज डालता है। बीज तो छोटा सा है, माँ फिर उसको बीज को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो ऐसे ही संदेश देने वाले ने बाप बन करके तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज डाला, और जिसने उस ज्ञान के बीज को विस्तार दिया वो तुम्हारी माँ हो गई, वो ज्ञान गर्भ को बड़ा कर दिया। फिर टीचर का काम होता है, टीचर होता है वो फिर बहुत ही ज्ञान का विस्तार कर देता है। तो अब टीचर शिव बाबा तुमको मिल गया, बाद में गुरु का काम, गुरु सदगति करता है। ये जो मन बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ये मन बुद्धि में अभी ज्ञान ज्यादा चलता है या देह की बातें, देहधारियों की बातें और देह के पदार्थों की बातें ज्यादा चलती है? देहधारी। तो ये दुर्गति है या सदगति है? ये दुर्गति। तो सदगुरु का काम है इस दुर्गति से बुद्धि को निकाल करके बस ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि चलती रहे, बाप की याद में बुद्धि चलती रहे, ये है सदगति आत्मा की, ये सदगुरु का काम है।
बाबा किस युक्ति से बता सकते हैं कि भगवान आ चुका है? हाँ। लोगों को बताओ, जो हद के बाप होते हैं वो मकान को कब गिराते हैं? जब मकान पुराना होता है तो पुराने मकान को गिराते हैं, नए मकान को कोई बाप गिराएगा, बेच भले दे लेकिन गिराएगा नहीं। तो ऐसे ही ये दुनिया, जैसे मकान पुराना होता है तो दुखदाई हो जाता है या सुखदाई होता है? टपकने लगता है, दुख देता है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अंधेरा होने लगता है, टूट फूट होने लगती है, ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो दुखदाई कहा जाता है। तो ये दुनिया भी एक तरह का मकान है। दुनिया क्या है? मकान। एक प्रकार का बेहद का मकान है। इस बेहद के मकान का जो मालिक है वो भगवान है। वो भगवान भी अभी हम बच्चों से पूछ रहा है, चलो तुम बताओ ये दुनिया पुरानी है या नई है, बताओ। तुम तो इसलिए कह रहे हो कि तुम गरीब घर में, गरीब घराने में पैदा हुए, इसलिए कहो कि हाँ पुरानी है। यहाँ कोई करोड़पति बैठा हो तो कहेगा पुरानी गाय के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध दिखाई पड़ रही है। देखो उनसे भी पूछा जाए तुम्हें कभी बीमारी होती है कि नहीं होती, तो क्या कहेंगे? बीमारी तो होती है। अकाली मौत होती है कि नहीं होती है? तुम कितने भी बड़े लाट साहब हो, हवाई जहाज में तुम दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज गिर सकता है कि नहीं? तुम्हें डर रहता है कि नहीं हवाई जहाज बैठते बैठते कहीं कोई आतंकवादी ना घुस गया हो? तो दुख की दुनिया हुई या सुख की दुनिया हुई? जैसे 24 घंटे में एक टाइम ऐसा भी होता है कि चारों ओर सोझ रहा अंधेरा कहीं देखने में नहीं आता, ऐसे ही 24 घंटे में एक टाइम ऐसा भी होता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, देखने में कुछ भी आता ही नहीं रात के 12-1 बजे। ऐसे ये दुनिया भी है जिसमें आधा टाइम ऐसा होता है दुनिया में जहां सुखी ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता, और आधा टाइम इस दुनिया में ऐसा होता है जहां दुख ही दुख सुख का नाम निशान नहीं। अभी वो दुख ही दुख वाली रौरव नरक की दुनिया लोगों के सामने पूरी आई नहीं है, अभी बहुत जल्दी आने वाली है। जो अभी कह रहे हैं ये दुनिया में स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे, हमें ज्ञान की दरकार नहीं है, उनको चैलेंज दे दो क्या, अब थोड़े दिनों के बाद हम आपसे पूछेंगे कि इस दुनिया में दुख है या सुख है। तो मकान जब पुराना होता है तो दुखदाई होता है, जब मकान में हर बच्चा दुखी होने लगता है तो बाप क्या करता है? मकान को तोड़ करके नया बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि रूपी मकान का रचयिता भगवान बाप भी इस सृष्टि पर आ चुका है, क्योंकि इस दुनिया का एक एक बच्चा भगवान का बंदा ये कहता है कि इस दुनिया में दुख ज्यादा है सुख कम, ये दुनिया दुखों की हो गई। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कहेगा जो कहे कि हम तन से मन से धन से समय संपर्क और संबंधियों से सुखी हैं। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो जब सब बच्चे दुखी हो जाते हैं तो इस दुनिया का जो मालिक है, सृष्टि का जो मालिक है, मकान का जो मालिक है, वो नया मकान बनाने के लिए इस सृष्टि पर आ जाता है, और नया मकान बनाने से पहले उसका थोड़ा हिस्सा तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? पर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना भी पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो मकान तोड़ने के लिए साज सामान भी साथ साथ तैयार करना पड़ता है। तो लोगों को बताओ कि 70 साल हो गए भगवान को आए हुए, 70 साल पहले न दुनिया को
भस्म करने के लिए बारूद तैयार हुआ था एटम बमों का, और नई दुनिया बनना शुरू हुई थी, भगवान ने बनाना शुरू नहीं की थी। अभी भगवान आया हुआ है, नई दुनिया भी बना रहा है और पुरानी दुनिया को भस्म करने के लिए बारूद भी 70 साल के अंदर ही तैयार हो चुका है। आज से 65-64 साल पहले छोटी छोटी सी बम्बियां फोड़ी गई थी हिरोशिमा नागासाकी में जापान में, और बम्बियों का ऐसा कहर मचा जो आज तक भी लूले लगड़े हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। दुनिया त्राह त्राह करने लगी थी, वो तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम्ब बने हुए हैं जो ऐसी कई दुनिया खलास कर सकते हैं। अब जो सामान बना हुआ है उसको कहां ले जाएंगे, खत्म कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अब जो सामान बना है वो हमारे घरों की सजावट के लिए नहीं बना है, वो तो आज नहीं तो कल अपने आप छूटने लग पड़ेगा, तब क्या करेंगे। तो ये एक पक्का प्रूफ है क्या कि पुरानी दुनिया का सामान तैयार हो चुका है भस्म करने का, तोड़ने का, इसलिए नई दुनिया भी भगवान तैयार कर रहा है। भगवान भी पांडवों की तरह गुप्त है, भगवान के बच्चे भी पांडवों की तरह गुप्त है, वो गुप्त में अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं, उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5, ढेर के ढेर बच्चे नहीं है, मुट्ठी भर बच्चे हैं जो नई दुनिया बनाने के काम में लगे हुए हैं। गरीब हैं बेचारे, 3 पैर पृथ्वी भी उनको नहीं मिल रही है भगवान का कार्य करने के लिए, और बड़े बड़े कारखाने वालों को तो कितनी लंबी चौड़ी जगह है नसीब है। जो भगवान के बच्चे हैं वो तो कांटों के जंगल में दुखी दुनिया में इधर उधर डौल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं, रोटी दाल भी नहीं मिलती होगी। ये तो भगवान है जो अपने बच्चों को सब कुछ दिलवा रहा है। तो पक्का प्रूफ तो पहले ये बताओ, दूसरा प्रूफ ये बताओ कि महाभारत युद्ध कितने साल पहले हुआ था, 5000 साल पहले हुआ था। दुनिया में जितने धर्म हैं फैले हुए उसमें देवता धर्म सनातन धर्म को छोड़ दो, बाकी जितने भी धर्म फैले हुए कितने साल की उनके पास हिस्ट्री है, 2500 साल की हिस्ट्री है। ये 2500 साल की हिस्ट्री जब दुखी होते हैं तब दिन गिनते हैं, या सुखी होते हैं तो सुख में दिन गिने जाते हैं, जब दुखी हुए तब संसार ने दिन गिनना शुरू किए, ये संबत बनाने शुरू किए, कितने साल हो गए भाई, इतने साल हो गए। तो दुखों की सृष्टि की ये सारी काउंटिंग उनके पास है, वो 2500 साल की है, 2500 साल ये दुखों की सृष्टि है और 2500 साल सुखों की सृष्टि भी थी उससे पहले। जो दुखों की दुनिया की हिस्ट्री मिल रही है वो मनुष्य जानते हैं, और जो हिस्ट्री नहीं मिल रही है वो भगवान आके बताता है, वो सुखों की दुनिया की हिस्ट्री भगवान आके बताता है, और भगवान ही नई दुनिया स्थापन करता है। तो 5000 वर्ष की ये सृष्टि है, 2500 वर्ष की दुखों की सृष्टि, मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक, ये मनुष्य गुरु है या देवता है, मनुष्य गुरु, ये नर हैं सब, ये नरों ने मिलकर के नरक बनाया इस दुनिया को, देवताएं नहीं है ये। देवताओं की सृष्टि अब भगवान आकर के स्थापन करता है, जबकि एटम बम बन चुके हैं, ये दुनिया खलास होने वाली। प्रूफ उनको बताओ, क्रिश्चियंस की बाइबल में भी ऐसा जिक्र आता है, क्रिश्चियंस भी मानते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था,
लॉर्ड कृष्ण का राजी था। वो ही कृष्ण का राज्य अब फिर आने वाला है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, ये वासुदेव है, ये कृष्ण है, ये नारायण कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम है। बचपन में नाम कृष्ण है, बड़े होने पर नाम नारायण पड़ता है। शास्त्र में लिखा हुआ है नारायण का राज्य कब था? सतयुग आदि में नारायण का राज्य था। वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ दुनिया के मालिक थे। इतनी श्रेष्ठ दुनिया और कभी थी ही नहीं। एक नारायण ही ऐसा राजा हुआ है दुनिया में जिसकी कभी हार नहीं हुई। बाबा, हम लोग का ये जो ब्राह्मण परिवार है अभी, इसमें कोई आदमी मौत हो जाने से उसका संस्कार पहला जैसे करना होगा ना, और दूसरा तरीके से करना। भगवान ने अकल दी है, भगवान अकल दे रहा है ना, भगवान बुद्धि दे रहा है ना, दे रहा है, दे रहा है। तो भगवान बता रहा है तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, फट से जाकर दूसरे गर्भ में जन्म ले लेती है। ज्ञान मिल गया कि नहीं? कोई भी आदमी शरीर छोड़ेगा तो उसका 4 महीने पहले से उसका गर्भ तैयार होने लगता है माँ के पेट में। आत्मा नहीं जाती है, आत्मा इस शरीर में काम कर रही है। ये 4 महीने के बाद इस शरीर में काम करते करते जब ये 4 महीने पूरे होंगे तो 4-4.5 महीने के बाद ये शरीर छोड़ेगा और उस गर्भ में प्रवेश करेगा। लेकिन पहले तो पंडित दो, अभी दूसरों की बात छोड़ दो, अभी तुमको भगवान बाप क्या बता रहे हैं सो तो सुन लो। तो वहां आत्मा जाकर के यहां शरीर छोड़ा और फट से जाके गर्भ में जन्म ले लेती है। तो अब शरीर को क्या करोगे? क्या करोगे, सड़ाओगे या खत्म करोगे? खत्म करना पड़ेगा। मुसलमान और क्रिश्चियन जो है वो देह अभिमान को जलाते नहीं है। अभी पुरुषार्थ मुसलमान भी कर रहे हैं, ज्ञान में चलने वाले कोई मुसलमान नहीं होंगे, होंगे वो भी ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो पूरा देह अभिमान को जला नहीं पाते। मैं आत्मा हूं ये बात पूरी पक्की नहीं कर पाते, कुछ न कुछ देहभान रह जाता है, इसलिए वहां देह को गाड़ते हैं जन्म जन्मांतर। और हम देवता धर्म की आत्माएं देवान को पूरा जला देंगे बाप की याद में, योगाग्नि में। इसकी यादगार में हम वहां क्या करेंगे? हम देह को जलाएंगे। ये बात असलियत बताओ उन लोगों कि अभी देह को जलाने की हमारी प्रथा है, जमीन में गाड़ने की प्रथा नहीं है। देह अभिमान की मिट्टी में हम क्यों गाड़ हैं? हम तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। मरने वाला तो मर गया, मर गया, लेकिन उसको सड़ान को घर में सड़ाओगे क्या? मरने वाला मर गया और उसको जला दिया। मरने वाला आत्मा नहीं होती है, मरने वाला शरीर होता है। तो घर का परिवार तो फिर पवित्र होना होगा ना? तो पवित्र होने के लिए तो बताया पहले उसको जलाओ। शरीर जो निश्चेष्ट हो गया, आत्मा चली गई, अचेतन हो गया शरीर, तो उसको पहला काम क्या करना है? अरे कुछ करना है कि नहीं करना है? सड़ा देना है, जलाना पड़ेगा। जला दो बस, तुम्हारा काम खत्म। पहले जैसा पंडित ला करके तो उनके पैसे कमाने की धंधे है, पैसे खर्च करना हो तो जलाते रहो। कोई मतलब है उसका? बुद्धू बनाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं। तुम नहीं करोगे तो दूसरों को भड़काएंगे, देखो इन्होंने सब कुछ करना बंद कर दिया, ये नास्तिक हो गए, ये देवताओं को नहीं मानते, ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये हवन नहीं करते, ये हमको दान दक्षिणा नहीं देते। वो अपने मतलब की बातें करेंगे,
दुनिया मतलब ये हमको अकल नहीं है। अरे इतने मनुष्य भगवान ने इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, उनको जन्मते ही क्या चीज मिलती है? धन संपत्ति लेके आता है मनुष्य, जब जन्म लेता है तो क्या लेके आता है? अकल लेके आता है। ये भगवान की देन है, इस अकल की हमको कदर नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे गए सोई बात माननी है। अरे हमको ही भगवान ने अकल दी है, उस अकल से हम जरा ध्यान दें कि वो जो कुछ कहते हैं वही सच्चा है या कोई सच्चाई और चीज है। भगवान तो बता रहा है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, वो हमें सुनाते हैं ऐसा नहीं करोगे, पिंडदान नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता ऐसे हो जाएंगे, फिर तुम दुखी होगे, फिर वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, दुनिया भर की तुम नरक में जाओगे। गरुड़ पुराण बैठ के सुनाएंगे कि दूध तुम्हें ऐसे ऐसे करके काटेंगे, ऐसे ऐसे करके तुमको डुबोएंगे, जलती हुई कढ़ाई में डालेंगे। अरे वो जो कुछ सुना दे सो ही सच्ची बात है महाराज। हमको अपनी अकल नहीं है, अकल तो है, अकल है तो हमें तो अकल भगवान की जो मिली हुई है वो अकल तो ये कहती है आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाके गर्भ में जन्म ले लेती है। मतलब जुग जुग से जो परंपरा चल रहा है फिर वही परंपरा जुग जुग से चल रहा है। ये परंपरा जुग जुग से नहीं चल रही है, जब से शास्त्र बनाए हैं मनुष्यों ने तब से चल रही है। सतयुग त्रेता में ये शास्त्र थे ही नहीं, मनुष्य गुरु थे ही नहीं जो शास्त्र बनाए, मां ये कोई परंपरा नहीं चलती थी। आदमी को उम्र पूरी होती थी, आपने शरीर जाकर के समुद्र के किनारे गया, वहां शरीर छोड़ दिया, सागर की लहर आई और बाहर ले गई, कोई क्रियाकर्म नहीं करना पड़ता था वह। ये जुग जुग तुमने बनाई लिया, तुमको किसने कहा कि जुग जुग से ये परंपराएं चली आ रही? किसने कहा? पंडित जो कुछ कहेंगे सब सब सही मान ले हुए, पंडित की कही हुई बात सब सही मानोगे? और सत्यनारायण की कथा पंडित जी सुनाते हैं, उनसे कभी तुमने पूछा ये सत्यनारायण की जो कथा तुम सुनाते हो, इस सत्यनारायण की कथा तुम जानते भी हो? तो ऐसे ही सुनाते चले जा रहे हैं, लकड़ आ रहा है लकड़ बग्गा, इस सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण की जीवन कहानी कुछ और भी बताई है, कहीं लकड़ आ रहा कहीं लकड़ बग्गा कहीं लीलावती कहीं कलावती, यही बातें सुनाते हैं। लकड़ लक्ष्मीनारायण की कहानी कहाँ है? लक्ष्मीनारायण कहाँ भाग गए? पैसा लो और घर चलो, लक्ष्मीनारायण कथा हो गई। तुम पंडित जी हो तो छोड़ देना बात हमारी। बाबा बोला है परिवार से ज्ञान में निकलने से अंत में सब आ जाएंगे, तो क्या 4.5 लाख में ही आएंगे या सत्य त्रेता में आएंगे? सत्य त्रेता में भी आएंगे और 4.5 लाख में भी आएंगे। जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं सो आएंगे, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं आएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हमको धक्का दे देते हैं। जैसे ही हम एडवांस ज्ञान में आते हैं वैसे ही हमको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, और हमारे घर वाले जान जाते हैं कि हम पहले ब्रह्मा कुमारी में थे, अब हम इस ज्ञान में आ गए, हमको घर से बाहर नहीं करते हैं, हमको घर से बाहर निकालना नहीं चाहते। तो ज्यादा प्यार कौन करता है? हमारे घर वाले ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी ज्ञान में नहीं चलते एडवांस ज्ञान में, और वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो भी ज्ञान में नहीं चलते, फिर ज्यादा प्यार कौन करता है? समझ नहीं सकते। अरे हित आने हित पशु पक्षी उजाना, पशु पक्षी भी समझ लेते हैं ये हमारा हितैषी है ये हमारा हितैषी नहीं है। तो जो हमारे हितैषी हैं वो हमारे ज्ञान में नहीं आएंगे, वो ही आएंगे। और बाबा महाकाली का ये मुंडमाला दिखाते हैं, ये सच्ची में जो है
सच्ची को भी? जो सच्ची बात है क्या वो मनमाला लगाती है जो गर्दन काट कोई देवी देवता हिंसक होता है क्या? नहीं होता फिर? वो मुंडमाला काटने का मतलब लगाने का मतलब ये है कि जब यहाँ से काट दिया तो ये मन बुद्धि अलग हो गई और ये देह अलग हो गई। इसका मतलब है आदमी को शिक्षा देकर के इस काबिल बनाए देना कि उसका देह वहन अलग हो जाए और आत्मा अलग हो जाए। तो जो आत्मा अलग हो गई उस आत्मा को मुंडमाल बना लिया, वो मुंड नहीं है, मुंडों की माला है, उसको रुद्रमाला कहा जाता है, वो रुद्राक्ष की माला है, उनको मुख दिखाए जाते हैं। वो रुद्राक्ष की माला मां काली को भी दिखाते हैं और शंकर जी को भी दिखाते हैं, विष्णु की माला नहीं है। बाकी कोई सर काट के लगा लिए हैं ऐसी कोई बात नहीं। और बाबा अंत में काशी नगरी को छोड़ के सब पाताल में चले जाएंगे, इसका मतलब क्या? हाँ, काशी में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो काशी में जाके कितने मरेंगे? जीते जी स्वर्ग में कितने जाएंगे जिनका शरीर बना रहेगा? कितने होंगे जो स्वर्ग में जाने वाले हैं और बाकी सब मौत के घाट उतर जाएंगे? साढ़े चार लाख ऐसे होंगे जो काशी में जाके मरेंगे। आज मरे तो, कल मरे तो, दो चार दिन, आठ दिन, दस दिन, दस साल, दो साल, दस बीस साल के बाद मरना हो तो मरना जरूर है। किनको? जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाप को पहचानेंगे, वो काशीवासी बनेंगे। काशी माने काश्य जहाँ है, काश्य माने तेज, याद का तेज जहाँ भरा हुआ है, उस संगठन में जाके ऐड हो जाएंगे, वही काशी नगरी है। किसकी नगरी है? कहते हैं शंकर जी की नगरी है, प्यारी नगरी। और बाबा शंकर के साथ भीम का नाम जोड़ा दिया है। हाँ, जरूर भीम वाली आत्मा शंकर का पाठ बजाने वाली होगी, राम वाली आत्मा ने भीम का पाठ बजाया होगा, भीमा शंकर कहा जाता है, भयंकर काम करती है, दुनिया को विनाश करने से ज्यादा भयंकर काम किसी का है? है? नहीं। तो दुनिया के बड़े बड़े असुरों को भीम ने मारा, बड़े बड़े राक्षसों को अकेले भीम ने मारा, सौ कीचकों को अकेले भीम ने मारा, सौ कौरवों को अकेले भीम ने मारा। तो ये भयंकर काम किसने किए? भीम ने किए। महाभारत में उनका नाम भीम दे दिया है और शास्त्र में उनका नाम शंकर दे दिया है। और बाबा यो साधारण रूप देखकर बच्चे क्यों मुझे जाते हैं? साधारण रूप देखकर के बच्चे क्यों मुझे जाते हैं? माना जैसे मुरली मिला है, साधारण रूप देख के बच्चे मुझे जाते हैं। हाँ, अब विकराल रूप देख के डर नहीं जाएंगे? अर्जुन को जब भगवान ने विकराल रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन डर गया या बचा रह गया? बच गया, डर गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, थरथराने लगा। बाबा आमजुली का बेहद का रहस्य क्या है? बाबा आमजुली का बेहद का रहस्य क्या है? मिलजुल के रहना चाहिए या मारपीट के रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए। और फलों में सबसे बड़ा फल, सबसे अच्छा फल, फलों का राजा फल कौन सा होता है? आम। तो जब आम है, आमजुली में तो क्या होंगे? देखो यार दरवाजे में क्या खड़ा है, आम ही खड़ा है ना। तो जब आम है, फलों के राजा है, तो राजा तो तब कहे जाए जब आपस में मिलजुल करके, मिलजुल करके
संगठित होकर के रहना है। कोई थोड़ी सी बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऐसा तुमने किया, हमने नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं किया, हमने नहीं किया, तुमने किया, तू तू मैं होने लगे, तो वो आमजुली थोड़े ही हुई। तो मिलजुल के रहो, अपनी पक्की आमजुली है, आम मिलजुल के रहे है। और बाबा लास्ट विनाश के समय में 4.5 लाख आत्मा बर्फ में अपने शरीर को सुरक्षित रखेंगे, वो स्थान माउंट आबू ही होगा या अलग अलग स्थान भी हो सकता? माउंट आबू तुम क्या समझते हो, बचा रहेगा? माउंट आबू जो है वो नॉर्थ इंडिया है या मध्य भारत है या दक्षिण भारत है? नॉर्थ इंडिया है। माउंट आबू से नॉर्थ में भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी, या दक्षिण में है? उत्तर में होगा, नॉर्थ ईस्ट में है। माउंट आबू के ठीक नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ में भी जाओ और ईस्ट में भी जाओ तो भोपाल पड़ेगा, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और माउंट आबू के नजदीक है गुजरात, और गुजरात के बिल्कुल नजदीक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी बंबई। तो सारे दक्षिण भारत, जिसको भारत का विदेश कहा, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, उसकी मुख्य राजधानी कौन सी है? मायावी नगरी बंबई। तो ये बंबई वाला प्रदेश जितना भी है लेकर के कलकत्ते तक, ये सब दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत का किनारा है माउंट आबू, सागर के किनारे पर है, सागर के किनारे पर है, लगभग नजदीक है। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो यमुना का कंठा है, गंगा यमुना नदियों के किनारे नई दुनिया होगी, मीठी नदियों के किनारे, वहां तो सागर है खारा, वहां नई दुनिया थोड़ी होगी, वो तो विनाशी देश है। वो माउंट आबू भी भले बड़ा मजबूत पहाड़ है, ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ है, इससे ज्यादा मजबूत पत्थर कोई होता ही नहीं, लेकिन वो ग्रेनाइट का पत्थर का एक ही पत्थर का बना हुआ पहाड़ लास्ट में वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। ये तो नॉर्थ इंडिया ही है जो बर्फ से पहले पहले ऊपर आ जाएगी। और बाबा 84 जन्मों का संबंधी का है, 84 जन्मों का संबंधी का शूटिंग यहाँ संगम पर कैसे होगा? 84 जन्म अभी श्रीमत पर जितना चल रहे हो उतना सत्यपुत्रता की शूटिंग कर रहे, और श्रीमत के बरखिलाफ जितना चल रहे हैं, मन मत पर या मनुष्यों की मत पर जितना चलते हैं उतना द्वापर कलयुग नरक की शूटिंग कर रहे हैं। ये कनेक्शन हो गया, नहीं समझ में आया? बाबा श्वेती अनिश्वा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर का छोटा बच्चा बनाकर रखा है, रखा हाँ। शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? अरे शिव बाबा को कितने बच्चे? शिव बाबा अकेला आता है या बच्चों के साथ आता है? शिव बाबा अकेला नहीं आता, इसलिए एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, दो मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव। शिव जब कभी भी इस सृष्टि पर आवेंगे तो तीन बच्चों के साथ आते हैं। कौन कौन सी तीन आत्माएं?
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उन तीनों बच्चों में छोटे बड़े होंगे एक जैसे होंगे? अरे जो बच्चे ज्वाइंट पैदा होते हैं ना, उनमें भी कोई छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता है? उनमें भी छोटा बड़ा होता है, होते हैं ना। तो ये भी त्रिमूर्ति है, तीन मूर्तियों में एक बड़ा बच्चा है, एक मझला है और एक छोटा है कि नहीं। अब तीन बच्चों में जब पैदाइश होगी तो बड़े बच्चे की जो पैदाइश होगी उसकी ज्यादा मान्यता होगी, या मझले बच्चे से जो पैदाइश होगी उसकी ज्यादा मान्यता होगी, या छोटे बच्चे से जो पैदाइश होगी उसकी ज्यादा मान्यता होगी? वो जिठौत कहा जाता है भारतीय परंपरा में, हमेशा बड़े बच्चे से राजाई का कनेक्शन होता है, बड़े बच्चे को वारसदार पहले बनाया जाता है। कोई राजा अपने बच्चों में से राजा बनाना चाहे तो किसको बनाएगा? बड़े बच्चे। क्यों बनाता है बड़े बच्चे को राजा? कोई कारण होगा? प्यार छोटे बच्चे को करेंगे लेकिन वर्षा बड़े बच्चे को पहले देंगे, क्यों? कारण क्या बोलो? अच्छा पुराणों में से बोलो, लंबे समय की प्योरिटी के बाद पहले पहले वो बच्चा पैदा होता है, दूसरे बच्चे दो तीन साल के बाद फिर पैदा होंगे, उनको दो तीन साल की प्योरिटी मिली। तो सबसे ज्यादा प्योरिटी की पावर कौन से बच्चे को मिली? पहले बच्चे को मिली। तो इन तीन बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? कहते हैं देव देव महादेव, शंकर देव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, महादेव, सबसे बड़ा देव। तो शंकर को महादेव कहा गया ना, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव शंकर बड़ा बच्चा हुआ। अब जब जनरेशन पैदाइश की शुरुआत आती है तो बड़े बच्चे से पहले बच्चे पैदा होंगे, या मझले से पहले पैदा हो जाएंगे, या ब्रह्मा से पहले पैदा हो जाएंगे? बड़े बच्चे से पहले पैदा होंगे। बड़ा बच्चा सूर्य है कि चंद्रमा है? है? तो सूर्य है, तो सूर्य से सूर्यवंशी पहले आठ जन्म लेते हैं, उन आठ में जो पहला पहला जन्म लेता है वो है काशी नगरी। क्या कहा? उन अष्ट देवों में जो पहले पहले जन्म लेता है उसका नाम है काशी नगरी। वो काशी नगरी ही अनुसुईया है, उस काशी नगरी के सामने जो तीन बच्चे बनते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे हुए हैं। छोटे हुए। छोटे क्यों हुए? क्योंकि तीनों पुरुष हैं या स्त्री हैं? हैं? तीनों पुरुष हैं। पुरुष जितने होते हैं सब दुर्योधन होते हैं, दुशासन होते हैं। और अनुसुईया काशी नगरी स्त्री है पुरुष है? हैं? स्त्री है, स्त्री चोला है। इसलिए प्योरिटी की पावर के आधार पर वो उन तीनों की मान्य है, पूजनीय है। और बाबा ये शिव जयंती कारण क्या है? शिव जयंती मनाई जाते हैं, इसका मुख्य कारण? शिव जयंती मने नहीं मनाई जाती है, शिव जयंती तो तुम कह देते हो। शिव जयंती ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम लेते हैं, वास्तव में मनाई जाती है महाशिवरात्रि। झूठ बोलते हो तुम, भक्ति मार्ग में सुना नहीं कभी? क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? शिवरात्रि भी नहीं, महाशिवरात्रि। रात्रि कोई स्थूल रात्रि नहीं, हद की रात्रि नहीं। हद की रात्रि में शिव ने जन्म नहीं लिया, कौन सी रात्रि में जन्म लिया? बेहद की रात्रि।
बेहद की अंधकार की रात्रि है, अज्ञान अंधकार की। इस दुनिया में जब बेहद का अज्ञान अंधकार फैला हुआ होता है तब शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे बच्चा होता है पहले गर्भ के अंदर गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष हुआ या गुप्त हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष होना ही जन्म है, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। भगवान दुनिया के सामने कब प्रत्यक्ष होता है? जब सारी दुनिया में महान अंधकार की रात्रि फैली हुई हो, सारी दुनिया उस अंधकार के गर्त में डूब जाती है। अच्छा, ब्राह्मण उस समय डूबे हुए होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, एडवांस के ब्राह्मण डूबे हुए होंगे कि नहीं होंगे अंधकार की रात्रि में? अच्छा, दुनिया वाले डूबे हुए होंगे कि नहीं होंगे? ऐसी अंधकार की रात्रि जहां 500-600 करोड़ दुनिया वाले तो डूबे हुए हैं ही हैं अंधकार रात्र में, लेकिन जो बेसक वाले ब्राह्मण हैं वो भी डूब जाते हैं। जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी रोज पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, रट्टू तोता बने बैठे हैं, और फिर उनको जो समझने वाले हैं उन वाणियों को एडवांस पार्टी के लोग, क्या वो भी अंधकार की रात्रि में बिल्कुल जब डूब जाते हैं तब असली प्रत्यक्षता होती है। तो कब होगी? ऐसी अज्ञान की अंधकार की रात्रि कब होगी? अच्छा, नहीं नहीं बताते हो, पुराने बताओ। 2018 ब्रह्मा जो है वो 5000 पूरे वर्ष किए बगैर ही पहले ही शरीर छोड़ के चला गया। तो ब्रह्मा की आयु जब 50 साल और पूरी हो जाए, 50 वर्ष के बाद 68 में 50 जोड़े तो कितना आया? 2018 में कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा दोनों मिलकर एक संस्कार वाली हो जाएगी, तभी विष्णु की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो विष्णु की प्रत्यक्षता सोई भगवान शिव की प्रत्यक्षता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों संपन्न रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु तो विष्णु भगवान है ही और शंकर तो है ही, शिव शंकर बोले ना। तो तीनों मूर्तियां संपन्न स्टेज में 2018 में संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगी। माने उस समय सारे संसार में घोर अज्ञान अंधकार फैला हुआ होगा या सोझरा होगा, उससे पहले 2018 से पहले दुनिया में घोर अंधकार होगा या घोर सोझरा होगा? घोर अंधकार, इतना घोर अंधकार कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी वो खुद भी अंधेरे में हुए होंगे, आए हुए होंगे। बाबा सोमनाथ के साथ सोमनाथ ने बात लगाया है, है? सोमनाथ का साथ सोमनाथ ने का बात लगाया है। हाँ, का बात है। हाँ, सोमनाथ है। सोमनाथ किसका नाम है? सोमनाथ किसको कहा जाता है? अरे सोमनाथ किसी का नाम है कि नहीं है? तो कौन है वो? आदमी है, औरत है, कौन है? भूत है, प्रेत है? आदमी है, देवता नहीं है? देवता है, भगवान नहीं है, है? सोमनाथ के मंदिर में मूर्ति कौन सी रखी है?
शिव की मूर्ति रखी तो तुम आदमी क्यों बात आदमी क्यों कह रहे हो? वो आदमी है, देवता है या भगवान है? भगवान है। उसका नाम है सोमनाथ। सोम कहते हैं चंद्रमा को। सोम किसे कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा को। और नाथ माने चंद्रमा की नाक नकेल डालने वाला। शादी होती है? होती ही नहीं। तो शादी में, शादी होने के बाद कन्या को क्या डाल देते हैं? गोल गोल नथनी डाल देते हैं। अब उसे नथनी कहो नाक कहो बात एक ही है। माने कंट्रोल में कर लेना। तो अभी जो सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की आत्मा अभी जो कंट्रोल में है या नहीं है? ब्रह्मा माने बैल, वो बैल अभी शंकर के कंट्रोल में है या नहीं है? है है है, कभी है कभी नहीं है। है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है? माउंट आबू चला जाता है। हाँ, जब चाहे तभी माउंट आबू जा करके अपनी मोह की भड़ास पूरी करना शुरू कर देता है। मोह आता है कि नहीं उनको? मोह आता है, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो कंट्रोल से भी बाहर है। अपने को गीता का भगवान साकार में समझता है या नहीं समझता है? ब्रह्मा की आत्मा अपने को शिवो हम समझती है या नहीं समझती है? समझती है। तो कंट्रोल से बाहर है या अंदर है? बाहर। ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में ही नहीं प्रवेश करती है, महाकाली में भी प्रवेश करती है। इसलिए महाकाली के मस्तक में कौन सा चित्र दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाया जाता है। और महाकाली अभी शंकर के कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल से बाहर है। तो अब वो महाकाली कहो, ज्ञान चंद्रमा कहो, कृष्ण की आत्मा कहो, दादा लेखराज की सोल कहो या बैल कहो, वो अभी कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर है। जब पूरा कंट्रोल में हो जाएगा तो उसको नाथ डाल दी जाएगी, फिर बढ़िया ज्ञान की खेती होगी दुनिया में। अभी ज्ञान की खेती नहीं हो पा रही है। क्या हो रही है? कितना माता रहना पड़ता है कोई सुनने के लिए भी तैयार है? जब वो कंट्रोल में आ जाएगा तो शंकर जी छलांग लगा के बैठ जाएंगे। बैल पर बैठते हैं तो कैसे बैठ जाते हैं? छाती की तरह बैल नीचे बैठ जाता है क्या? नहीं, बैल तो खड़ा रहेगा। भले खड़ा रहे तो भी छलांग लगाई और दूर बैठ गए। छलांग माने हाई जंप है, पुरुषार्थ की हाई जंप लगाए और बैठ गए। तो प्रश्न क्या था? सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी दिखा देंगी। तो अब समझ में आ गया सोमनाथिनी कौन हुई है? नहीं समझ में आया? ब्रह्मा से क्या बनता है? विष्णु बनता है। तो आखिरी रूप तो विष्णु हुआ ना। विष्णु के रूप में न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है बताओ? लफुल और लाफुल दोनों, 50% लफुल 50% लाफुल। शंकर जी तो लाफुल बैठे हैं, हिलने डुलने वाले नहीं। अब ब्रह्मा जी ढील ले जाए, जो असुर आया वरदान मांगा अच्छा ले जाओ। बाबा घर में बहुत परेशानी है, शादी करनी पड़ेगी। अच्छा शादी मुरली में भले बोले शादी बर्बादी, मुरली में भले बोले प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, मकान दुकान नहीं बनाना है,
बच्चे आते हैं, बाबा बड़ी परेशानी है, घर में बहुत तकलीफ है, घर छोटा है, घर गिरने वाला है, ये है वो है। अच्छा बच्चे नया घर बना लो। तो ब्रह्मा बाबा लूज बैठे हैं या स्ट्रिक्ट बैठे हैं? लूज होने बैठे हैं। लेकिन विष्णु का पार्ट 50% लूज 50% स्ट्रिक्ट, न ज्यादा लूज न ज्यादा स्ट्रिक्ट, न्यूट्रल पार्ट है वो। ऐसा पार्ट किसका है? कौन सी कोई आत्मा दुनिया में होगी या नहीं होगी? कौन आत्मा है? नहीं नहीं बताते, पुराने बताओ। छोटी मम्मी, छोटी मम्मी जब एडवांस ज्ञान ले लेगी तो खूब स्ट्रिक्ट भी हो जाएगी। अभी एडवांस ज्ञान नहीं है तो जो कान पकड़ लेता है बस उसी के सहारे चलने लग पड़ती है। इसलिए मुरली ने बोला है, वास्तव में दुनिया वालों ने जो तीन शेर दिखा दिए हैं त्रिमूर्ति की यादगार, वास्तव में तीन शेर नहीं है, एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। तो बकरी का पार्ट किसका हुआ? डर लगता है क्या? जोर से बोलो ना। छोटी मम्मी का पार्ट हो गया बकरी का। उन असुरों ने कान पकड़ लिया है, राक्षसों ने कान पकड़ा हुआ है, तो बस उन्हीं के कंट्रोल में। तो सोमनाथ के साथ सोमनाथ के भी, ब्रह्मा सो विष्णु, वो विष्णु जो है वो ही सोमनाथ है। बाबा, बाप भी बिना के लिए आए हैं तो आधे पर ही थोड़े जाएंगे, आधे पर थोड़े ही छोड़ जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब जाएंगे। इसका मतलब पूरी आग लग जाएगी, एटम बम फट जाएंगे और दुनिया में हो अल्लाह हो करके सब अपना अपना शरीर छोड़ देंगे, तब बाप भी चले जाएंगे। बाप क्या करेंगे? अभी तो आग लगी हुई है ना, अभी दुनिया में आग लगी हुई है या ठंडास है? आग लगी हुई है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी आग लगी हुई है। कम से कम वेद का बाप है तो वेद की जो दुनिया है ब्राह्मणों की, उस ब्राह्मणों की दुनिया में जब आग लगे, आग लग करके इस भंवर को आग पूरी हो, आग पूरी कब होगी? 2018 में आग लग के पूरी होगी, तब ठंडा शुरू होगी, राजधानी स्थापन हो जाएगी। फिर बाप यहाँ रहेंगे? कौन से बाप? ज्योत बिंदु बाप। नारायण में बाप होता है या नहीं होता है? नारायण बाप थोड़ा ही, वो तो 16 कला संपूर्ण है। शंकर में बाप होता है या नहीं होता है? शंकर में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। और बाबा शंकर के साथ में त्रिशूल रहा है, वो व्यर्थ में किस बात का यादगार है? हाथ किस बात की यादगार है? ये हाथ और ये पांव या ये पेट किस बात की यादगार है? गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं, किस बात की यादगार है? अरे कोई ऐसा देवता होता होगा जिसके इतना लंबा चौड़ा पेट फैला हुआ हो? बड़ा पेट माने बड़ा बुद्ध रूपी पेट है। कहते तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं, और तुम के पेट में बात पचती नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इस पेट की बात है? कौन सी पेट की बात? इस पेट में बात नहीं पचती, तो ये पेट भी है। हाथ से कोई चीज कैच की जाती है तो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि इस बात को कैच नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हारे हाथ वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे जहां हमारे गुरु जी के हाथ पहुंच रहे हैं। माने ये हाथ की बात नहीं है। कौन से हाथ की बात है?
ये बुद्ध रूपी हाथ की बात, किससे लोग हाथ मिलाते हैं, ये हाथ मिलाने की बात है, ये बुद्ध रूपी हाथ एक दूसरे से मिल जाए वो बात है, कौन सी बात है, बुद्ध रूपी हाथ मिलाने की बात। हिंदू लोग अपने हाथ ऐसे करके जोड़ते हैं, यानी दायां हाथ पुरुष का, बायां हाथ स्त्री का, अब दोनों मिलकर के हम तुम्हारे सहयोगी है, स्त्री भी हमारी सहयोगी और हम भी तुम्हारे सहयोगी, दोनों मिलकर के प्रवृत्ति में तुम्हारे सहयोगी है। ये हाथ धोने को ऐसे ही, ये पांव, पांव से चलकर कहीं जाया जाता है, पहुंचा जाता है। तो कहते हमारे गुरुजी की पांव तुम नहीं पहुंच पाओगे, हमारे पांव जहां पहुंचे हो वहां तुम नहीं पहुंच सकते। तो पांव बुद्धि की यादगार, बुद्धि भी पहुंचती है, तुम्हारे बुद्ध रूपी पांव वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बुद्धि भी पांव की यादगार है। क्या बात थी, शंकर के हाथ में त्रिशूल, जो हाथ है वो बुद्ध रूपी हाथ की बात, उसमें त्रिशूल है ब्रह्मा का ज्ञान रूपी कांटा माना बाण, विष्णु का ज्ञान रूपी बाण और ब्रह्मा का, शंकर का ज्ञान रूपी बाण, ये तीन बाण है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तो सारा ज्ञान पूरा, वो है सबसे बड़ा बाण, क्योंकि बैलेंस है, ज्ञान में भी बैलेंस होना चाहिए। हाँ टाइम हो गया, बाबा ये शंकर के गले में सर्प दिखाई देते हैं और बाहर के छाले, शंकर के गले में सर्प दिखाई देते हैं, सरकार क्या है, अभी मनुष्य का तो किसी का सर्प के गले देखे नहीं चलते, वो क्यों दिखाया, जितने बड़े सांप होंगे, क्या सांप किसे कहा जाता है, अरे कमर में सांप, काम बेकार का सांप, गले में सांप, मोह बेकार का सांप, सर में सांप, अहंकार का सांप, दाएं भुजा में सांप, क्रोध का सांप, इस भुजा में सांप, लोभ का सांप, ये पांच सांप दिखाए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सांप हैं। ऐसे बड़े बड़े सांप जो होते हैं वो शंकर जी के गले में लिपटे रहते हैं, हाथ में लिपटे रहते हैं, चारों तरफ लिपटे रहते हैं, इसके लिए उन्होंने कविता बना दी, चंदन भी गले नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, क्या चंदन के पेड़ में विष व्याप्त नहीं होता, कितने सांप उसमें लपटे रहते हैं। ऐसे ही हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है, चाहे कितना भी दुर्गुणी मनुष्य हो अपने से कनेक्शन में आता रहे, संसर्ग में संपर्क में संबंध में आता रहे, लेकिन हम उससे प्रभावित न हो, इस बात की यादगार है शंकर जी के सांप। और वो सांप सिर्फ शंकर जी को ही नहीं दिखाए जाते, विष्णु की शेष सजिया भी इसी बात की यादगार है, कहां लेटे हुए हैं, सांपों की सैया पर लेटे हुए, अरे सोते सोते कहीं रात में सांप आ जाए और कहीं देख लो तो उठ के भाग खड़े होंगे हमारे डर के, और वो तो इतने मोटे मोटे सांप और उनके ऊपर आराम से उन्हें नींद आ रही, ऐसे होता है क्या, दिखाया गया है कि चाहे कितना भी विषैला हो, चाहे कितना भी क्रूर हो, चाहे कितना भी हरामी हो, लेकिन उसके संग के रंग से डरना नहीं है, कहते हैं विष्णु आत्मा बस में रखना चाहिए, हाँ जी हाँ। बस में रहना चाहिए, आप प्यार एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पिघला लेती है, सर्प भी रक्षक बन गए, इधर नीचे से उसके ऊपर सोए हुए भी हैं और ऊपर से उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। कृष्ण को भी दिखाया गया, क्या दिखाया गया कृष्ण को,
पांच सर्पों के ऊपर डांस कर रहा है। आ धन्ना वाह, ऐसे होता है क्या? बाबा वो सर्प रूपी आत्मा भी होता है क्या? अच्छा, यहाँ सर्प सर्पणी मनुष्यों में नहीं है? तो वही तो, लेकिन हम लोग समझते हैं कि सर्प ही होता है, मतलब विकारी होते हैं। ऐसे ही होते हैं, विकारी होते हैं, मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य विकारी नहीं होते। वही तो, सांप की तरह विकारी, सांप से ज्यादा होते हैं। तो उसको भाई भाई कैसे कहा जाता है? उसको भाई भाई कैसे कहा जाता है? किसको? जो भिखारी होता है मनुष्य से, उसको भाई भाई कैसे कहा जाता है? मनुष्य से भिखारी होता है? नहीं, भिखारी मनुष्यों को भाई भाई कैसे कहा जाता है? भिखारी मनुष्यों को कैसे भाई भाई कहा जाता है? ये कौन कहता है कि तुम उनको ज्ञान सुनाओ, उनको समझाओ कि तुम भी आत्मा हो? जब वो अपन को आत्मा समझेंगे तभी तो भाई भाई होंगे, भगवान की औलाद बनेंगे, आत्मा बनेंगे, तभी तो भाई भाई है। कि देह अभिमान में बैठे हैं तब भाई भाई है। चलो।